नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। भागलपुर महोत्सव का ये 14वां आयोजन और आज तीसरा दिन, और हमारे साथ हैं ऋचा राज जो कि अलीगंज की हैं। आज ये दुल्हन की गेटअप में आई हुई थी, आज दुल्हन प्रतियोगिता था यहाँ पर, और उसमें ये विनर बनी हुई हैं। और हम आपको बता दें कि इनके जो पापा हैं वो बिजनेसमैन हैं, मम्मा हाउसवाइफ हैं, और ये भागलपुर अलीगंज की रहने वाली हैं। भागलपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है और वर्तमान में ये पीजी की तैयारी में लगी हुई हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आज भागलपुर महोत्सव में आकर जीतना, दुल्हन गेटअप का जो प्रतियोगिता था ये आज विनर बनी हुई है, जीत गई हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं। पहले ऋचा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आज भागलपुर महोत्सव में आप विनर बनी हैं, जीत गई हैं, कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हम सोचे नहीं थे कि फर्स्ट प्राइज मिलेगा, हमको तो लग रहा था इतनी सारी दुल्हन है, पता नहीं मेरा नंबर आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन हम विनर बने तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा था आपको कि हम विनर नहीं बनेंगे? डर लग रहा था क्योंकि सब अच्छी अच्छी दुल्हन थी, सबका गेटअप बहुत अच्छा सब था, हमको पता नहीं क्या होगा, इसलिए डर लग रहा था। लेकिन बस हमको इतना सोच रखे थे कि बस चाहे कोई कुछ भी करे, हमको अपना बेस्ट देना है, और बस हम वही किए और बस रिजल्ट आप देख रहे हैं। आप भागलपुर महोत्सव में इससे पहले भी हिस्सा ले चुकी हैं या फिर ये पहली दफ़ा था आपका? नहीं, पहले भी हम ले चुके हैं, लेकिन ये फर्स्ट प्राइज जो है इतना बड़ा सा, ये पहली बार है। तो इससे पहले जो आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा था, तो उसमें आप दुल्हन के गेटअप में या फिर किसी और चीज़ में? नहीं, दुल्हन के ही गेटअप में थी। अभी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, और ग्रेजुएशन के बाद आप पढ़ाई भी करेंगी या फिर इसके अलावा आप कुछ और? नहीं, आगे पढ़ाई करने का भी सोचे हैं, और अगर इस बीच में अगर शादी हो जाती है तो। नहीं, जब पढ़ाई चल रही है तो फिर शादी क्यों? अभी तो पढ़ाई चल रही है और आप अच्छा कर रही हैं इस क्षेत्र में, अच्छा कर रही हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप इस क्षेत्र में आगे जाएं। हाँ, अगर इस क्षेत्र से आगे जाने का होगा तो हम जाएंगे। आज हालांकि आप भागलपुर शहर की हैं और भागलपुर में आपका जन्म हुआ है, जाना पहचाना शहर आपका, लेकिन फिर भी आज सिल्क टीवी के साथ आप हैं, तो सिल्क टीवी के माध्यम से आप शहरवासियों को या लोगों को आप कुछ बताना चाहती हैं, वो आज अगर आप सिल्क टीवी के माध्यम से बोल सकती हैं, बता सकती हैं तो। हम बस यही कहना चाहेंगे कि सब एक दूसरे की टैलेंट को पहचानिए, उसके अंदर किसी को नीचा मत दिखाइए कि को किस में क्या कमी है नहीं है, बस उनके टैलेंट को देखिए उसके अंदर के, कि हर इंसान में कुछ ना कुछ होता है जो उसको वो उभार के ला सकता है, फिर वो फेमस हो जाता है। तो बस सबसे यही कहना है कि एक दूसरे के टैलेंट को पहचानिए और सबको प्रोत्साहित कीजिए, किसी को निराश नहीं कीजिए। जैसे होता है ना, किसी में कोई कमी होती है तो वो उसको लेकर के उसे उसका मजाक बनाते हैं। अब किसी की हाइट कम होती है तो उसको बोला जाता है कि भैया कोई लंबा होता है, ऐसा ये नहीं होना चाहिए। हर किसी को बस ये कहना चाहिए, मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए, और किसी में कोई कमियां नहीं निकालनी चाहिए, बल्कि उसको अगर कमी भी है तो भी कहेंगे नहीं ठीक है तुम कर सकते हो, और उसका प्रोत्साहन उसको मतलब बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं आप कर सकते हैं, और बस। बिल्कुल, मैरिड डिमेरिड हर इंसान में होती है खामियां और खूबियां, कोई नहीं है परफेक्ट, कोई नहीं है, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं, उसी तरह कोई भी इंसान परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, खूबियां और खामियां दोनों इंसान के अंदर है, बस हमें देखने की जरूरत होती है, उसे बताने की जरूरत। बिल्कुल। और फिलहाल हम भी आपको बता दें कि ऋचा राज जी थी हमारे साथ, और एक ऋचा राज जी आज विनर बनी है, दुल्हन की ड्रेस में है, गेटअप में है, खूबसूरत लग रही हैं। तो हम भी इनके लिए कहना चाहते हैं कि अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, सादगी भी कयामत की अदा होती है। ऋचा जी, हम आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए कामना करते हैं, आप हमारी देश की बेटी हैं, हमारी शहर की लाडली हैं, और हम सबों की एक उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है, आप आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें, हमारा शहर भागलपुर का आप नाम रोशन करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और आप हमें सिल्क टीवी पर देख रहे हैं, मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और कैमरा के पीछे सलमान अनवर है। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऋचा राज जी जो कि आज दुल्हन की गेटअप में थी, आज यहाँ से भागलपुर महोत्सव के मंच से ये विजयी हुई हैं, विनर बनी हैं। ऋचा राज जी से हमारा ये बातचीत आपको कैसा लगा? नहीं लगा, हाँ लगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा। बहरहाल, शुक्रिया।